और एक ही मांग है कि गृहमंत्री आए, सदन में आए और एक बयान दे। ये तानाशाही सरकार के लिए वो भी मंजूर नहीं है। सरकार अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रह सकती। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें संसद के अंदर करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी पे अपनी छाती ठोक ठोक कर कहते हैं, आज वही गृह मंत्री पार्लियामेंट से बच रहे हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच रहे हैं। जो क्रैकर जो कल बात किया गया था, गैस क्रैकर, वो अगर जहरीला गैस होता तो बहुत सारे जान का नुकसान होता था। और एक ही मांग है कि गृह मंत्री आए, सदन में आए और एक बयान दें। ये तानाशाही सरकार के लिए वो भी मंजूर नहीं है। हमने बार बार कोशिश की कि नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में उनको मौका दिया जाए कि ये मुद्दा उठाने के लिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। कल जो हुआ, जो सुरक्षा प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, बहुत गंभीर मसला है और इस पर कार्रवाई तो हो रही है, पर हम गृह मंत्री की ओर से एक बयान चाहते हैं। कल भी हमने मांग की थी, आज भी हमने मांग की है और कल भी हम करते रहेंगे। जब तक गृह मंत्री नहीं आएंगे, बयान नहीं देंगे, सदन की चलने की संभावना बहुत कम है। हम रचनात्मक सहयोग में विश्वास रखते हैं, हम चाहते हैं कि बहस हो, पर आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है देश के सामने, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और ये जो सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लंघन कल सारा देश देखा, इसके बारे में प्रधानमंत्री चुप हैं, गृह मंत्री चुप हैं। वो आए दोनों सदनों में, एक बयान दें, उसके बाद सदन की कार्रवाई चलती रहे। ये सबको मालूम है कि 4 दिसंबर से आज कल तक हमारा सदन दोनों कक्ष ठीक से कार्रवाई चल रहा था, लेकिन कल जो घटना घटी, जो कि जयराम रमेश जी ने विस्तार से बोला, उस घटना के कारण आज दोनों सदनों में ये मांग थे इंडिया एयरलाइंस की ओर से कि गृह मंत्री जी आए और दोनों सदन में बयान दें, उसके बाद इसके बारे में चर्चा हो। लेकिन दुख है कि सरकार इस बारे में नीरव है, कोई अभी तक कोई स्टेटमेंट गवर्नमेंट की ओर से आया नहीं। ये कभी भी नहीं हुआ। 2001 में जब यहाँ पे हमला हुआ था संसद में, उस समय हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड से अपना जान गंवाई, लेकिन किसी को आतंकवादी को अंदर जाने नहीं दिया। ये लोग जो पकड़ा गया है, आतंकवादी है कि नहीं हमें मालूम नहीं कौन है, लेकिन इसे पता चलता है कि पार्लियामेंट नए भवन जो बनाया गया उसमें सुरक्षा इतना खराब है कि कोई भी आ सकता है। और अगर जो क्रैकर जो कल बात किया गया था, गैस क्रैकर, वो अगर जहरीला गैस होता तो बहुत सारे जान का नुकसान होता था, होने का संभावना था। तो आज सुबह से हम वही मांग पर खड़े हुए थे दोनों सदनों में। दुख की बात है कि हमारे पार्टी का लीडर, तृणमूल कांग्रेस का लीडर डेरेक ओब्रायन जी को सदन से निष्कासन का आदेश दिया गया, उसके बाद उनको खिलाफ सरकार ने प्रिविलेज मोशन लाया और प्रिविलेज कमेटी के पास उनके विषय में चर्चा करके 3 महीना का अंदर रिपोर्ट देने के लिए चेयर ने निर्देश दिया। इसको हम जो कुछ भी घटा आज, इसको हम निंदा करते हैं कड़ी से कड़ी शब्दों से, कि जहां कल क्या हुआ था इस बारे में सारा देश जानना चाहते हैं, इसको छिपाने के लिए, इसको नजर घुमाने के लिए ये सारे चीज किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि संसद के अंदर ये बात जब होती है, इस तरह का कुकृत्य होता है, तो ये सिर्फ संसद का मामला नहीं है, ये सुरक्षा का मामला है। जो व्यक्ति, जो सरकार अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रह सकती है, देश उनके हाथों में सुरक्षित। मार्क माई वर्ड्स, सीने पे हाथ बमार मार के बोलना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और सरहद पे जो होता है वो संसद में हो जाता है उस तरह की चीजें, तो हम तो कहेंगे आपके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है। इसलिए आप 48 घंटे के बावजूद, 48वां घंटा होगा, 24 घंटे आप सामने नहीं आ रहे हैं। आइए पूरा पक्ष रखिए। ठीक उसी दिन हमने आगाह किया था जब वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था, आपने लोगों को बिठा दिए थे, जिंदाबाद लगाए जा रहे थे। सीख वहीं से मिली है। लोग उस गैलरी में बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर के आए हैं। कौन एमपी है आप सब जानते हैं, लेकिन
ये मसला सिर्फ संसद का नहीं है। मैं दोहरा रहा हूँ, इनके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है और इसलिए हम सदन में इसको लगातार उठाते रहेंगे और मजबूर करेंगे। गृह मंत्री जी आइए, बड़ी बड़ी बात करने से ही कोई बड़ा नहीं होता। जो खबर हमें मिल रही है उसमें बताया जा रहा है 7 सुरक्षा अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जो युवा थे और जिन्होंने ये बदसलूकी की और सिक्योरिटी ब्रीच के जिम्मेदार हैं उनके ऊपर UAPA लगेगा। ये भी डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। और 14 हमारे सांसद जो हैं कांग्रेस के भी और अन्य दलों के भी इसी मांग पे सस्पेंड कर दिए गए हैं लोकसभा से। मैं कहती हूँ आपने ये सारी कार्रवाई की पर हम मांग कर रहे हैं कि देश के गृह मंत्री हमें आकर जवाब दें कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें संसद के अंदर करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी पे अपनी छाती ठोक ठोक कर कहते हैं, आज वही गृह मंत्री पार्लियामेंट से बच रहे हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो MP हैं प्रताप सिन्हा, उनसे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है या उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये दिखाता है कि ये जो सरकार है इतनी आत्ममुग्ध है कि नेशनल सिक्योरिटी को दरकिनार कर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को दरकिनार कर सिर्फ अपनी वाभीवाल लूटने में लगी हुई है। पर जो भी इनके सुरक्षा का दावा है सब खोखला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।